वो है माया जी। हेलो, हम जा रहे हैं सारे अभी प्रगति मैदान, और देख रहे हो मैं कितनी लेट निकल रही हूँ, 1:30 बज चुका है और अभी भी काफ़ी लेट हो जाएंगे क्योंकि छोटी सिस्टर आने वाली है और 2-3 स्टूडेंट अगर हैं वो गपशप में लगे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। और आज मूड तो नहीं था प्रगति मैदान जाने का, बट जा रही हूँ, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ले लूँगी जो दिखेगा, और कुछ अच्छा दिखा तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, दिखाऊँगी क्या क्या है इस बार। यहाँ से मैं घर से निकल चुकी हूँ और हमने कैब की है, मैंने 2 कैब की थी, दूसरी कैब में मेरी बेटी और मेरी स्टूडेंट थी और इसमें भी हम 3 जने थे। तो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है नांगलोई से, और मेट्रो से मैं इसीलिए नहीं गई क्योंकि लेट हो चुकी थी। और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, अभी दूसरी कैब नहीं आई है, और पहले ही देख रहे हो मेरे फेस बहुत डल लग रहा होगा क्योंकि मैं लगातार, आज 4th दिन हो गया मुझे घूमते हुए, पहले इवेंट था भजनपुरा में, उसके बाद नोएडा चली गई थी, उसके बाद फिर यहाँ पर काफ़ी यानी भागदौड़ हो रही है, तभी मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, जब आप प्रगति मैदान जाएंगे तो आपको शटल सर्विस दी जाती है जिसमें आप आराम से बैठकर जा सकते हैं वहाँ तक, और यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है, पहले टिकट बुक हो जाती हैं। आपने देखा होगा पिछली बार फ्री था, बट किसी का टिकट नंबर नहीं आया होता तो उनका 300 रुपीज़ चार्ज लग रहा था। मेरे सभी के टिकट आए हुए थे तो हमने फार्म भरा और ये हमें मिला एंट्री करने के लिए बैंड। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, अपने पार्लर का नाम, टिकट नंबर और सभी कुछ, ताकि अगली बार भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। तो इसी तरीके से, और देख सकते हो बहुत अच्छा था, आपकी बार इंटरनेशनल ब्यूटी एक्सपो था तो काफ़ी बड़े स्पेस में किया हुआ था, बहुत मेकअप देख सकते हो, हेयर स्टाइल देख सकते हो, और कॉम्पिटिशन भी होते हैं। ये आइबा का कॉम्पिटिशन चल रहा है, यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किए जा रहे थे क्योंकि मैं लेट निकली थी, अब की बार भी बहुत ज़्यादा 4-5 दिन से भागदौड़ हो रही थी, काफ़ी थक गई थी, मन भी नहीं था मेरा आने का। बट साल भर में आता है तो इसीलिए सोचा कि चलो चली जाती हूँ, बाद में बहुत मिस करूँगी। और काफ़ी डिफरेंट तरीके की एक्सेसरीज़ है, एक्सटेंशन है, ब्यूटी से रिलेटेड हर चीज़ मिलती है आपको यहाँ पर। आप प्रोडक्ट लेना चाहें, कॉस्मेटिक लेना चाहें या कुछ डिफरेंट देखना चाहें, और सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पर आपको ऑफ़र भी मिलते हैं। जैसे स्किन सीक्रेट की थी, 2 फेशियल किट पे 1 फेशियल किट, या फिर ओलिविया के प्रोडक्ट आप बोलते थे मैम नहीं मिलते हैं, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे परचेज़ किए हैं ओलिविया के, 2 के साथ 1 था। और इसी तरीके से हमने लिए, काफ़ी बेनिफिट रहता है इन चीज़ों में, कोई भी आप अच्छे से अच्छे लिप शेड, क्रायलॉन के भी मैंने बहुत प्रोडक्ट लिए यहाँ पर देख सकते हो, मैं दिखाऊँगी आपको क्रायलॉन के मैंने क्या क्या लिया, काफ़ी कुछ खरीदा है इस बार भी। और यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, मैं 2nd डे आई थी ट्यूसडे को, यानी 1st डे मंडे को तो और भी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। और इतना खुला खुला है इस बार, आप आराम से घूम सकते हो, पूरा दिन आप देख सकते हो क्या आपको लेना है क्या नहीं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुछ मिलता है आपको देखने को। और इसकी बुकिंग पहले ही हो जाती है टिकट रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा, या आप अपना नाम दर्ज कराते हैं यहाँ पहले से तो उस पर ही पहले हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हो मुझे और ये सारी है मेरी सिस्टर, मेरी स्टूडेंट पीछे, और यहाँ पर चल रहा है ये देख सकते हो बार्बर वालों का है ये, यहाँ ओलिविया गार्डन काफ़ी है, बार्बर वालों का भी है, वहाँ हेयर स्टाइल देखने को मिल रहे थे डिफरेंट डिफरेंट। और आप क्रायलॉन लेना चाहते हैं या फिर कलर एसेंस, कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, सभी प्रोडक्ट पे ऑफ होता है और अच्छे से अच्छा है। टेम्पटो की एयरब्रश मेकअप थी, उन पे भी काफ़ी अच्छा था। और ये देख रहे हो मैंने क्रायलॉन के 3 किट खरीदी हैं, तीनों किट के बारे में जानना चाहेंगे तो प्रिया अपने चैनल पर बता देगी, आप मुझे कमेंट करना। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट लिए हैं वहाँ से, और ये देख सकते हैं मैं क्रिम्पिंग मशीन भी लेने गई थी तो मैंने यहाँ से 2 क्रिम्पिंग मशीन चेक की, बट मैंने परचेज नहीं की है ये क्योंकि मेरे पास वेगा की थी तो इसका थोड़ा अच्छी थी, 1800 की एक थी, 1700 की एक अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, बट मैंने नहीं लिया क्रिम्पिंग मशीन। और मैंने पिछली बार कर्लिंग रोड ली थी हेक्टर की, काफ़ी अच्छी थी। और ये देख सकते हो क्रिम्पिंग भी कितनी आसानी से होती है, आप खुद वहाँ पे ट्राई करके ये सारी चीज़ें ले सकते हो, ऐसे ट्राई करने के लिए आपको नॉर्मल मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और देख सकते हो ब्राइड किस किस तरीके से वहाँ पर दिखाते हैं आपके सामने करते हुए, आप लाइव खड़े होकर उनको देख सकते हो, बिल्कुल फ़ोटोशूट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये मशीन लिए मैंने, ये देख सकते हो फेशियल स्टीम के लिए, काफ़ी अच्छी थी, 3 रेंज में थी, छोटे वाली ये देख सकते हो मेरे हाथ में, मुझे ये भी पसंद आ रही थी बट मैंने ये नहीं लिया है, जो लिया है आपको दिखाऊंगी अपने फेशियल में, तो कमेंट करें और दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी ली है, मुझे बताएं भी कि मैंने कौन सी ली होगी।
तो ये देख सकते हो सिंगल है, इनकी कॉस्ट ज़्यादा भी नहीं थी, 2200, 2300, 1800 इस तरीके से थी इनकी कॉस्ट। और देख सकते हो भीड़ भी कितनी रहती है, उस दिन तो लास्ट था तो इसलिए और ज़्यादा था, सब लोगों को रहता है जो पार्लर से में काम करते हैं कि हम ये ले लें वो ले लें। तो काफ़ी अच्छे अच्छे बार्बर का देख सकते हो, यहाँ से ली मैंने कटिंग सीजर वगैरह, जो भी आपको लेना है सब कुछ मिलता है। तो मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट टाइम आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन नंबर पहले आ जाता है और आप एक बार आएंगे तो हर बार के लिए आपका हो जाता है। और देख सकते हो, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड मेरा फर्स्ट चैनल है, ऑल अबाउट मेरा सेकंड चैनल है, और प्रिया सैनी ऑफिशियल मेरा थर्ड चैनल है। तो देखना ना भूलें, मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी, थोड़ी सी फ्री हो गई हूँ अब। और यहाँ पर हेयर स्टाइल देख सकते हो मिस्टर बार बार के, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं जो कि हमारी मॉडल या रैम्प पे यूज़ बनाए जाते हैं। ज़्यादातर ब्राइड में तो हम नहीं दे सकते हैं इस टाइप के, बट अच्छे लग रहे थे मुझे, मैंने सोचा चलो पिक आपके लिए वीडियो बनाऊं थोड़ा सा। और काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, आप पूरा दिन भी घूमेंगे तो भी। और देख सकते हो साथ में है मेरी सब्सक्राइबर, काफ़ी सब्सक्राइबर मिली थी मुझे यहाँ पर, काफ़ी खुश थी। अच्छा लगता है इन लोगों से बात करना, जब अचानक से कोई कहता है कि हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप बहुत अच्छी वीडियो डालते हो। यहाँ देख रहे हो स्किन एनालाइज हो जाती है आपकी, बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है आपकी स्किन में। और मैंने फेक आईलैशेस भी ली हैं, बहुत सारी आईज़ ग्लो भी लिया है जो मुझे अच्छा लग रहा था। मैं काफ़ी सारा प्रोडक्ट यहीं से ले लेती हूँ ताकि आसानी रहे। और खाने के लिए इन्होंने अब की बार अलग बनाया हुआ था, हमने थोड़ा बहुत फूड खाया क्योंकि 3 बज चुके थे जब हम पहुँचे, हमने 5:30 बजे करीब थोड़ा बहुत खाया और फिर थोड़ा सा घूमे थे। जो रह रहा था कि चलो दोबारा एक साल बाद ही आएगा, तो जो भी प्रोडक्ट मुझे दिख रहा था मैं ले रही थी कि आपको कुछ नया दिखाऊं। और देख सकते हो डर्माकोल मैंने पिछली बार ली थी बट अभी तक आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि थोड़ी बिजी हो गई थी। और अब रेगुलर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। शहनाज हुसैन का भी ये देख सकते हो C2P का है, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड है जो भी आप देखना चाहें लेना चाहें। फेशियल किट में ऑफ़र, हर चीज़ में आपको सभी कुछ यहाँ पर मिलता है और काफ़ी अच्छा भी दिखता है। अब मैंने ये भी बताया हुआ है अपनी वीडियो में किस तरीके से यहाँ पर आ सकते हो, कैसे आ सकते हो। तो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा कि यार घर में ना बैठ के मैं चली गई। अच्छा क्या मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे मिले जिनसे सुन सुन के थोड़ी एनर्जी तो आई रही थी क्योंकि बहुत घूम घूम के बहुत ज़्यादा डल हो रखा था फेस भी और काफ़ी थकान भी हो रखी थी। तब भी मैं सोचती हूँ थोड़ा सा आराम से वीडियो शूट करूँ, आराम से डालूँ। और कुछ मेरी फ्रेंड एक शो में गए थे भजनपुरा, वो भी शेयर करूंगी आपके साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो उसी की दूंगी। और ये देख सकते हैं मेरी सब्सक्राइबर, ये मुंबई से आई हुई थी, बोल रही थी मैम हम सोच रहे थे आप हमें मिल जाएं, तो अच्छा हुआ मैं चली गई शायद, और अच्छा लगा इनको भी। ये आज मेरी रिया बहुत खुश थी क्योंकि वो अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, ये है मेरी रिया की फ्रेंड, वरना वो अकेली बोर हो जाती है। और ये मेरी सब्सक्राइबर, काफ़ी सब्सक्राइबर मिली, अच्छा लगता है इनके साथ बात करना मिलना, और कोई आपकी तारीफ करता है हमारी तो सुनना भी अच्छा लगता है कि आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये तो वीडियो आप लोग देखें, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं आप अभी देख रहे हो मुझे, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियो आप भी देख पाएँ। हम बाहर निकल चुके हैं, तो 7 बजे करीब हम बाहर निकले थे और घर पहुंचने में मुझे लगे थे 2 घंटे, तो 9 बज चुके थे। और रिया को देखते हो आज बहुत मूड में, आज वो बोर नहीं हुई, वरना तो हमेशा बोर हो जाती है। और ये है मेरी मेट्रो स्टेशन पे भी सब्सक्राइबर मिली, जो मेरे वेट में थी कि मैम मैं आपको ढूंढ ही रही थी, अच्छा आप मिल गए मुझे। तो मैं किसी को भी अनदेखा नहीं करती हूँ, अच्छा लगता है सबसे मिलना, बात करना, उनके क्वेश्चन के जवाब देना। तो आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।